था ना बेटा, उनको ऐसा भी दिखता हमारे जैसा। ये कैरी है, कैरी मेरे को रोज किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन को। कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है। बस ये क्या है भाई, मुझे लगता है आज राणा जी माफ नहीं करेंगे। का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर दिलों का। मैं मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हो तुम, स्वागत है तुम्हारा हमारी न्यू वीडियो में। तो शुरू करते हैं टॉप ऐसे बुरी वीडियो और दबा के घंटा जो कि धर नीचे है। ये क्या है भाई, मुझे लगता है आज राणा जी माफ नहीं करेंगे। आज राणा जी पेलने के मूड में हैं। काश भाई ये राणा जी करण अर्जुन की मूवी में होता तो अमरीश पुरी जी खुद को मौत के घाट उतार देते, फांसी लगा लेते। ये मोटा सा हजाब आया कहाँ से? और भाई ये मुझे राणा जी नहीं लगते, ये मुझे लगते हैं लांड। खैर तुम वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये क्या लगते हैं। अरुण को देखकर लगता है कि वो किसी हीर से बिछड़ा हुआ रांझा। और किसी लैला का सताया हुआ मजनू है। भाई कल मैंने तुम्हें दिखाया था पिछली वीडियो में अजय देवगन, और भाई आज तुम देख लो सुनील शेट्टी को। लेकिन भाई जीतेगा तो अजय देवगन ही, ये सुनील शेट्टी नहीं है, ये अंधेरे में मारी गई मुट्ठी है। ऐसे तुम्हें हमेशा, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कहाँ से आते हैं लोग, किसके भेजे हुए होते हैं हमें नहीं पता, कौन इन्हें फोन दे देता है ये भी नहीं पता। इस वीडियो पर भाई एक बंदे ने कमेंट भी कर दिया, इस कमेंट को भी देखो, EMI पर खरीदा हुआ सुनील शेट्टी। जी हाँ तो भाई अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, ये नए नए हीरो आ कहाँ से रहे हैं। खैर हम आगे चलते हैं मार के मुट्ठी। आखिरकार भाई 100 साल पुरानी नागिन भी मिल गई। अम्मा जी के पैर कब्र में जा रहे हैं, लेकिन अम्मा जी को तो नागमनी ढूंढनी है। वो किसके पास नागमनी किसके पास है भाई, अम्मा जी की नागमनी लौटा दो। तो भाई मुझे एक बात ये बता दो, दादी को इंस्टाग्राम का रास्ता किसने दिखाया? सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वो है। फिर अब हमें आगे चलना चाहिए बिना किसी देरी के। पापा बोलो समझ रहे हो आप? क्या? एक सेकंड। भाई ये रील देखने के बाद मेरा नाटकों से मन ही हट गया है। मतलब बच्चा ही बदल गया, वो भी हवा में। और बच्चा क्यों बदला ये भी सुन लो, उससे पहले बच्चे को पापा भी किया जा रहा था, इसने पापा भी कह दिया। तो ऐसे में बच्चे में भी उलट फेर कर दी। तो ये होता है नाटकों में और सीरीजों में सॉरी। फिर आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर मुस्ताना है कोई क्यूटर। आखिरकार भाई सलमान भाई भी इसे देखने लगे कि ये गाना फेमस हो कैसे गया। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, ये क्या है, ना लिरिक्स ना कुछ ना कुछ। ये गाना हिट किया आप लोगों ने। मतलब भाई सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल दो और वो चलता है। जी हाँ बिल्कुल। वैसे भाई इस गाने पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये बोलूँगा कि बदोबदी से तो अच्छा है, दिलों का चूतर है मेरा स्कूटर। खैर हम आगे चलते हैं बिना किसी बकचोदी के।
मैं मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करिए, शादी के बाद रिचार्ज का दाम कम करवा दूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो भाई इस बंदे को सपोर्ट कर दो, ये मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना चाहता है, रिचार्ज फ्री करवा देगा। अगर ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर चला गया और उसे पता चल गया कि ये वही बंदा है तो इसे गांड मार के मत्था पिलाया जाएगा, वो भी बेभाव, जिसका ना कोई सूद होगा ना कोई हिसाब। भाई इनमें इतना टैलेंट आता कहाँ से है? वैसे मेरी तरफ से इस भाई को फुल सपोर्ट है, पंडित जी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा।